गया जिले में हैवान ने हैवानियत की हदें पार कर दी है। किताब देने के बहाने एक नाबालिग दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मना करने पर नाबालिग लड़के के साथ मारपीट भी की गई है। वहीं पुलिस मामले से गंभीरता से लेते हुए मामले के छानबीन में जुटी है। इस संदर्भ में पीड़ित नाबालिग लड़की ने बताया कि वे अपने घर पर थी, तभी उनके गाँव के रहने वाला अनिल यादव उन्हें किताब के बहाने जबरदस्ती घर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर उनकी माँ के सामने उनके साथ गलत काम किया। जब मना किया तो अनिल और उसकी माँ ने उन्हें बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें उनके शरीर में चोटें आई हैं। प्रेता ने यह भी बताया कि थाने में गई थी, थाने के पुलिस के द्वारा उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले पर महिला थाने के SI कमल नैन ने बताया कि गया जिले के गुड़ाड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले पर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अनिल यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। के संबंध में बस हम ये जान रहे हैं कि हम कोर्ट के कार्य से आए हुए थे, तो मेरे महिला थानाध्यक्ष महोदय जो है बताए फोन करके जी कि कमल जी प्रभावती में गुरारू से एक पीड़िता आई हुई है, उसके साथ बलात्कार होने की बात कहा गया है। तो हम आए हैं तो पीड़िता से जो है जानकारी लिए, ये सारी बात बताए कि हमको कल सामने जो है आपको एक लड़का किताब के बहाने बुलाया और उसके बाद घर में ले जा करके बंद करके मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद जो है फिर विरोध करने पर जो है बुरी तरह से मारपीट किया। कितने साल की बच्ची है? बच्ची करीबन लगता है 15 या 16 साल। नाबालिग है? हाँ। आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अब जो है ये महिला थाना में इसका केस होने जा रहा है, ठीक है, और जो है केस होने के बाद जो है फिर इनका जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम लोग। आरोपी कहाँ का है सर? ये आरोपी भी गुराड़ू का ही रहने वाला है। गुराड़ू का ही? हाँ, गुराड़ू। क्या पहले से जान पहचान था उनके दोनों में? ऐसा कुछ नहीं जानकारी मिला है।